राह दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है, क्या करे क्या न करे ये दुविधा हमें सताए जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके सबके YouTube चैनल पे। दोस्तों कुछ दिनों से आप एक न्यूज़ देख रहे हैं YouTube पे या कहीं से भी, अगर आप अध्यापक सहायक बनना चाहते हैं तो आप उस न्यूज़ को लेकर शायद परेशान होंगे कि अब PhD अगर आपको करनी है तो नेट जो है वो कंपलसरी हो गया है। तो बहुत आप न्यूज़ चैनलों पे भी इस न्यूज़ को देखा होगा, आने वाले साल से यानी कि शैक्षणिक ईयर से आप अगर कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देनी पड़ेगी, और PhD अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट की एग्ज़ाम जो है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसी न्यूज़ आप बार बार देखते हैं, किंतु आधिकारिक उसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। अब NTA या फिर हम UGC की वेबसाइट पे देखते हैं तो उसका कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, किंतु इसके बारे में बात जरूर चल रही है और आने वाले साल में ये ज़रूर होगा भी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से PhD या शोध छात्राओं की संख्या जो है बहुत बढ़ती जा रही है और शोध परिणाम शून्य होते जा रहे हैं, जिसके कारण UGC ने एक डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर नेट पास वाले ही PhD करने जाएंगे तो जो ज़्यादा लोग हो जाते हैं, शोध छात्र जो ज़्यादा हो जाते हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे। क्वालिटी एजुकेशन जो है उसके लिए एक प्रयास मुझे लगता है कि हो रहा है। तो अगर आपको भविष्य में PhD करनी है, अगर आपको कॉलेज में अध्यापक बनना है तो आपको नेट कंपलसरी करनी पड़ेगी। आज से अभी से इसके बारे में तैयारियां शुरू कर दीजिए। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी राज्यों के द्वारा ली जाती है, उसकी भी तैयारियां कर दीजिए, क्योंकि उसका माध्यम जो है वो लोकल भाषा होती है, किंतु नेट का माध्यम जो है वो हिंदी इंग्लिश होता है या और भाषाएँ जो होती है उसमें भी होते हैं। तो 13 भाषाओं में नेट की एग्ज़ाम जो है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है वो ली जाती है, तो उसकी तैयारियाँ अभी से कर लीजिए, JRF कर लीजिए। अगर आप JRF करेंगे तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी और आसानी से आप PhD कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये मैं यही बताने के लिए आ जाया हूँ कि PhD जो है वो कंपलसरी हो या न हो, किंतु नेट कंपलसरी हो चुकी है। तो अगर आपका सपना एक अध्यापक बनने का है तो आपको नेट की एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, और इसके बारे में एक वीडियो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आने वाले समय में नेट की एग्ज़ाम हम कैसे क्लियर करें, कैसे परीक्षा की तैयारियाँ करें, तो उसके बारे में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे जानने के लिए, और हमारे साथ बने रहे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।